हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उपवास के लिए सिंघाड़े के आटे के लड्डू, बिना घी के, बिना शुगर के और बहुत ही टेस्टी। हम इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। उपवास के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम मखाने भून लेते हैं। मखाने भूनने के लिए ये हमने गैस जला ली है और कढ़ाई इस पर रखकर गर्म कर ली है और अब हम इसमें ये मखाने डाल देंगे। ये मखाने हमने 1 कप लिए हैं और इनको 3 से 4 मिनट के लिए हम भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट्स यूज करती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको मेजरमेंट बताती जाऊंगी, लेकिन अगर आपको एक साथ मेजरमेंट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मखाने हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनने हैं। अगर हम हाई फ्लेम पर इनको भूनेंगे तो ये फटाफट जल जाएंगे। हमें अंदर तक भूनने हैं इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मखाने हमारे भूनकर तैयार हैं। यहाँ हम गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो कर लेते हैं और चेक करते हैं कि मखाने भुने कि नहीं। तो ये मैंने मखाना लिया और इसको हम ऐसे क्रश करके देखेंगे। ये देखिए, मखाने हमारे भूनकर तैयार हैं। अब हम इनको अलग बोल में निकाल लेंगे जिससे ये ठंडे हो जाए। तो ये मखाने हमने इस बोल में निकाल लिए हैं और इनको साइड रख देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे बादाम। यहाँ हमें कोई घी का यूज नहीं करना है। ये बादाम हमने 3 टेबलस्पून लिए हैं और 3 टेबलस्पून ये काजू लिए हैं हमने, और इनको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हम मीडियम फ्लेम यूज करेंगे। ये काजू और बादाम इनको हमने देखिए बारीक बारीक काट कर लिया है और इनको भी हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए और गैस को यहाँ हमने स्लो कर लिया है। और अब हम डाल देंगे, ये हमने वाटरमेलन सीड्स ली हैं, तरबूजे की गिरी 4 टेबलस्पून। मैंने इनका जो ग्राम से भी मेजरमेंट लिया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इनको भी हम भून लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वाटरमेलन सीड्स हैं ये जल्दी भून जाती हैं, इसलिए ये हम बाद में डालेंगे भूनने के लिए। और यहाँ हम वापस अपनी जो गैस है उसकी फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी वाटरमेलन सीड्स भी भुननी शुरू हो गई हैं। आपको आवाज से पता चल रहा होगा, ये वाटरमेलन सीड्स भुन गई हैं हमारी। और हम इसी में डाल देंगे, ये नारियल पाउडर लिया है हमने, डेसिकेटेड नारियल, इसको भी इसमें डाल देंगे। ये 1/2 कप लिया है हमने नारियल पाउडर। यहाँ गैस की जो फ्लेम है वो मैंने स्लो रखी है क्योंकि जो नारियल है वो जल्दी से जलने का डर रहता है। तो नारियल को भी हम इन्हीं ड्राई फ्रूट्स के साथ ये लगभग 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म है इसलिए ये देखिए नारियल भी हमारा भूनकर तैयार हो गया है। और यहाँ अब हम अपनी गैस की जो फ्लेम है उसको बंद कर देते हैं और इन सभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं जिससे ये भी ठंडे हो जाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो सिंघाड़े का आटा हमने लिया है, 1 कप लिया है सिंघाड़े का आटा, इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, ये देखिए अभी वाइट है, हल्का सा ये लाल हो जाएगा। इसको हम कंटिन्यूअस चलाते भूनेंगे। हमारी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, ये देखिए कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। ये जो सिंघाड़े का आटा है ये इसमें बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये जो हम लड्डू बना रहे हैं क्योंकि उनमें ड्राई फ्रूट्स भी हम डाल रहे हैं तो ये टेस्टी तो बनेंगे ही, फलाहारी भी हैं और बहुत हेल्दी भी बनेंगे। आप अगर बिना व्रत के बनाना चाहें तो ये आप बिना व्रत के भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सिंघाड़े के आटे का कलर चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये आटा हमारा भूनकर बिल्कुल तैयार है और इसमें हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे ये वापस डाल देंगे और गैस को हम सिम कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। ये हमने 1 मिनट ड्राई फ्रूट्स के साथ भून लिया है इसको और यहाँ हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम मखाने अपने पीस लेते हैं, इनको साइड रख देते हैं हम। और अब हम ये हमारे जो डेट्स हैं, डेट्स हमने 1 कप लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डेट्स मैंने ग्राइंडर में डाल लिए हैं। ये देखिए इसके अंदर सीड्स होती हैं वो मैंने रिमूव कर दी हैं। अगर आप सीडलेस यूज कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है,
तो चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारे डेट्स भी पिसकर तैयार हैं। इनको हम एक बड़े बर्तन में पलट लेते हैं। ये डेट्स हमने इसमें पलट लिए हैं और इसी में ये जो हमने मखाने पीसे हैं वो भी डाल देंगे, और जो हमने अपने ड्राई फ्रूट और सिंघाड़े काटा भून के रखा है वो भी हम इसमें पलट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने मखाने का पाउडर डाल दिया है, ड्राई फ्रूट सिंघाड़े का आटा भी डाल दिया है और डेट्स जो हमने पीसे हैं वो भी डाल दिए हैं। और इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून व्हाइट मिर्ची, सफेद मिर्ची जो होती है, व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। देखिए फ्रेंड्स, आप उपवास में इनमें से अगर कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं इनमें से, आप उसको स्किप करके दूसरा ले सकते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम दोनों हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो डेट्स हैं वो थोड़ा ड्राई रहता है, थिक होता है। हमें उसको अपने ये जो पाउडर है, हमारा जो मिक्सचर है, उसके साथ अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिक्स हो गया है अच्छे से। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल सूखा है और इसके लड्डू कैसे बनेंगे, लेकिन हम इसे अभी थोड़ा और हेल्दी बनाएंगे और उसके लिए हम इसमें डालेंगे शहद और फिर हमारे लड्डू बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 4 टेबल स्पून इसमें शहद डाल देते हैं। ये देखिए, इसमें हमने 4 टेबल स्पून शहद डाल दिया है और पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें और चाहिए होगा तो हम और शहद इसमें डाल देंगे। अब आप देखिए हमने कितने सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें लिए हैं सब हेल्दी हैं। इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे दबा दबा के। देखिए, बिल्कुल घी हमने इसमें यूज़ नहीं किया है और ना ही हमने इसमें शुगर यूज़ किया है। ये लड्डू बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी रहेंगे। ये देखिए, ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये हमारे लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी तैयार है, ये देखिए। तो अभी हम पहले हाथ धो लेते हैं और अपने हाथ पर थोड़ा सा हम घी लगाएंगे और उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने हैंड्स वॉश कर लिए हैं और इस पर थोड़ा सा घी लगा लिया है और अब हम अपने जो लड्डू हैं बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए ये थोड़ा सा हम इसमें से डो ले लेंगे, लड्डू का जो मिक्सचर है वो, और इस तरह से दबा दबा के इनको राउंड शेप दे देंगे। दोनों हाथों से बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे, ये देखिए। और उसके बाद इस तरह से स्मूथ कर लेंगे, ये देखिए। इसी तरह से हम अपने बाकी सारे लड्डू भी तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बिना शुगर, बिना घी। आप ये लड्डू जरूर बनाइए और आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप इन्हें बिना व्रत के या व्रत में कभी भी खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी हैं, बहुत ही टेस्टी भी हैं, बिना घी के और बिना शुगर के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।